कुछ समझने नहीं आ रहा, ऊपर से मुझे टेंशन हो रही है, समझ ने घर खाली कर दिया है, पता नहीं यहाँ पे कैसे इतनी धूप में, फोन भी नहीं लग रहा है, कहाँ ढूंढूं मैं तय समर, क्या करूँ तो मैं हूँ, मैं झेल लूंगा, तुम जाओ। फिर अगर तुम्हारे घर पे राधिका की माँ पहुँच गई वहाँ पे क्लेश करेगी, कोई फायदा नहीं है। तो मैं तुम्हें ऐसे अकेले यहाँ पे छोड़ दूँ इतनी धूप में, इतनी गर्मी में? मैं अपने दोस्त के यहाँ चला जाऊंगा यार, समझा करो। नहीं, क्या हो गया तुम्हें? तुम यहाँ पे इतनी धूप में तुम यहाँ क्या कर रहे हो समर? घर क्यों नहीं चलते हो? तुम्हें पता है कितनी देर से मैं ढूंढ रही हूँ मुझे सब। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आप सबको पता है कि समर कितना ज़्यादा परेशान है। उसका मेरे पास सडनली कॉल आया, उसने मुझे यहाँ का लोकेशन भेजा था, बट यहाँ पे कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है। मैं कहाँ ढूंढूँ, मुझे कुछ समझने नहीं आ रहा है। ऊपर से इतना वो परेशान है, बहुत ज़्यादा, ऊपर से उन्होंने घर खाली कर दिया, कुछ पता नहीं चल रहा कहाँ है कहाँ नहीं है, और ऊपर से फ़ोन पे भी इतना रो रहा था। मैंने उससे पूछा, समर मुझे बता तो, हुआ क्या है, हुआ क्या है, मुझे बिल्कुल भी नहीं बता रहा। अब मैं ऐसे अकेले कहाँ छोड़ूँ, आप खुद बताओ। ऊपर से उन लोगों ने घर खाली कर दिया, और यहाँ पर मैं कैसे ढूंढूँ इस पार्क में? लोकेशन तो मुझे यहीं दिया था, कहाँ ढूंढूँ मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। पता नहीं क्या होगा, किस हालत में होगा, और कब से यहाँ पर होगा, हद होती है बिल्कुल ही। कहाँ यार, मैं कहाँ ढूंढूँ, मैं थक गई समर को ढूंढते ढूंढते। लोकेशन तो यही का बता रहा है, बट ये समर है कहाँ, और इतनी धूप में मैं कहाँ ढूंढूँ? एक तो मुझे कुछ समझने नहीं आ रहा, ऊपर से मुझे टेंशन हो रही है, समर ने घर खाली कर दिया है, पता नहीं यहाँ पे कैसे इतनी धूप में, फोन भी नहीं लग रहा है, कहाँ ढूंढूँ मैं? हे भगवान, समर प्लीज फोन तो उठा लो कम से कम, फोन भी नहीं लग रहा है भगवान। समर, एक तो इतनी धूप हो रही है, ऊपर से समर ये कौन है? समर, समर क्या हो गया तुम्हें? तुम यहाँ पे इतनी धूप में तुम यहाँ क्या कर रहे हो समर? घर क्यों नहीं चलते हो? तुम्हें पता है कितनी देर से मैं ढूंढ रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्यों इतना परेशान हो। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, और यहाँ पर क्या कर रहे हो तुम ऐसे बैग लेके? रो मत समर, चुप हो जाओ, हुआ क्या मुझे बताओ तो। समर, समर क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? मुझे ना मरने का मन कर रहा। क्यों मरने का मन कर रहा है, हुआ क्या? मेरे साथ धोखा पे धोखा, धोखा पे धोखा हो रहा है। किसने किया धोखा ये बताओ? ओ क्यों इतने परेशान थे तुम फोन पर समर? ऐसे थोड़ी ना करता है कोई। पता है मुझे इतनी टेंशन होने लग गई थी तुम्हारी, पूछो मत। मेरा फ्लैट खाली करवा दिया। किसने? राधिका की मम्मी ने। राधिका की मम्मी ने फ्लैट खाली करवाया? मुझे तो लगा कि तुमने कर दिया होगा, तुम्हें प्रॉब्लम हो रही होगी। राधिका की मम्मी ने बोला मुझे कि मैं अलग, उनको शक है कि मेरा अफेयर रोशनी के साथ चल रहा है। उन्होंने बोला फ्लैट खाली कर दो, मैंने दूसरा देख लिया, ये है वो, ऐसे वैसे, और प्लस मतलब मुझे बोला, और उसके बाद मुझे पता चलता है कि वो अपने घर में ले जाके मुझे रख रहे हैं, मुझे अलग फ्लैट भी लेकर के नहीं दिया। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, ऐसा क्यों हो रहा है? राधिका क्या बोल रहा, मतलब क्या बोला फिर राधिका ने? अच्छा कुछ नहीं, यहाँ पे मैं बुलाया, मैं बात किया कि मुझे ना अलग से घर चाहिए लेकर के दो, तो ये गुस्सा कर रही है। तुम चुप हो जाओ, परेशान मत हो, राधिका की मम्मी से हम बात करेंगे, बस इतनी सी बात के लिए परेशान। वो नहीं मान रही है, वो बोल रही है तुझे किसी दोस्त के यहाँ नहीं जाना है, अगर मेरे घर में नहीं रहेगा तो मेरी मर्जी है। पहले तो बोल रहे हैं दो तीन दिन चलो फ्लैट हमने ले लिया है, फिर पता चल रहा है ये अपने घर में पूरा सामान मेरा रखवा ली। पहले तो बोलती हैं कि मैंने फ्लैट ले लिया, उसके बाद पता चलता है कि अपने घर में पूरा सामान रखवा रही हैं। उसके बाद जब मैं बाहर बुला के बात करता हूँ राधिका को कि भाई मुझे अलग घर चाहिए, मैं तुम्हारे मम्मी के घर में अनकम्फर्टेबल हूँ, ठीक नहीं लग रहा, तो नहीं ऐसा नहीं है, ये है वो है। इसकी मम्मी आती है मुझे चांटा मारती है, मुझे बोलती है मेरे घर में ही 10 दिन 15 दिन जितना दिन भी तुम्हें रहना पड़ेगा। तो तुम्हें वहाँ पर नहीं रहना? मुझे वहाँ तुम तो राधिका से प्यार करते हो, तो तुम कहीं भी रह सकते हो ना समर। भाई उसके घर में क्यों रहूंगा? तो राधिका की मम्मी भी तो रहती थी। खाली करवाया जब उन लोगों को रहना या नहीं रहना है, अच्छा खासा फ्लैट था, सब कुछ ठीक था, फिर खाली क्यों करवाया फ्लैट? अब वो तो इसलिए करवाया ना क्योंकि तुम्हें पता है क्या सारी चीजें चल रही है, रोशनी वोशनी का क्या सीन चल रहा है। क्या चल रहा है? मैं देखो, मैं मुझे पता है तुम ठीक हो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बट सब यही समझ रहे हैं समर, सबको यही लग रहा है क्योंकि रोशनी लड़की ठीक नहीं है। पहले वो ध्रुव के साथ चिपकती थी, वो तुम्हारे साथ चिपकती है, राधिका को इसलिए अच्छा नहीं लग रहा है, और उसकी मम्मी भी शक कर रही है, तुम्हें तो पता है मम्मी कैसी है, और उन्होंने इसी वजह से घर खाली करवाया। घर खाली करवा दिया ठीक है, घर खाली करवा दिया, मुझे प्रॉब्लम नहीं है,
लेकिन ये क्या मतलब होता है कि नहीं तुम ये करो, मतलब तुम्हें 10 दिन 15 दिन 20 दिन मेरे घर में ही रहना पड़ेगा, ये तो गलत है ना भाई। घर खाली करवा दिया ठीक है, अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तुम घर चलो। मैं नहीं जाऊंगा कहीं। क्यों? मैं यहीं पे रहूंगा। अरे फ्लैट ले देख लो ना तुम, समझ तुम्हारे पास किसी चीज की कमी है क्या? एक बात बताओ, तुम अच्छे खासे तुम कमाते हो, तुम फ्लैट ले लो, तुम वहाँ पे रह लो राधिका को लेके, तुम मम्मी को साफ मना कर दो ऐसे हम नहीं रह सकते आपके घर पे, समझ तुम ऐसा कर लो। बट ऐसे रोने से थोड़ी ना कुछ होगा, देखो तुम ऐसे परेशान होगे मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। कोई नहीं, घर खाली करवा दिया तो सही है, घर खाली करवा दिया, रोशनी से तुम्हारा पीछा छुटा ना, वो तो तुम्हारे पीछे हाथ धो के पड़ी हुई है, पता तो भाई है। घर खाली करवा दिया तो झूठ बोल के क्यों करवाया? अगर उनको प्रॉब्लम थी वो बोलते हमारे पास अभी इंतजाम नहीं है, लेकिन सच बोल के ले जाते थे अपने घर में। मुझे प्रॉब्लम नहीं था राधिका के घर में जाने में, लेकिन सच बोल के ले जाओ ना, ये तो झूठ बोल के ले जाना ये तो गलत है ना। सही बात है, फिर ऊपर से तुम्हारे पर वो झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि तुम्हारा उसका सीन चल रहा है ये वो। देखो ये तो गलत है, राधिका को तुम्हें ट्रस्ट करना चाहिए तुम्हारे ऊपर। देखो हस्बैंड वाइफ का ट्रस्ट होता है जब भी आगे रिलेशन बढ़ पाता है, चाहे कैसा भी रिलेशनशिप हो। बट छोड़ो, तुम राधिका से बात कर लेना, और मैं तो कह रही हूँ तुम घर देख लो अच्छे से, ठीक है? मम्मी भी बहुत परेशान हो रही थी तुम्हारी, घर पर आई थी मेरे, वो भी बहुत परेशान हो रही थी, बहुत ज़्यादा कह रही थी समर पता नहीं कहाँ गया मेरे से पीछा छुड़वाने के लिए, उसने घर खाली कर दिया, मकान मालिक ने मुझे यहाँ से भगा दिया, मकान मालिक ने बोला कि तुम रहोगे तो मैं यहाँ पे किराया। इन दोनों ने सबके आगे हम मुझे बुरा बना दिया, समझ ही नहीं आ रहा मुझे क्या करूँ मैं। तुम्हारी मम्मी भी तुम्हारे लिए ऐसा ही सोच रही है कि तुम अपनी माँ को ही नहीं पूछ रहे, वो भी मेरे घर पे है। ऐसा करो तुम मेरे घर चलो। यार फिर 10 तरह का बात बनेगा, मैं तुम्हारे घर में किस हक से रहूँगा? तो तुम ऐसा करो समर, तुम नया घर देख लो, अभी बीच में थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि नए नए घर खरीदने में किराया देने में बहुत प्रॉब्लम होती है, बट ना तुम देख लो तभी सब कुछ ठीक होगा, क्योंकि तुम्हें मम्मी के यहाँ पे रहना नहीं है, राधिका से भी अभी तुम्हारी बन नहीं रही होगी सही से, तो तुम घर ले लो, किराए पर ही ले लो। यार ये लोग तो, फिर मैं अकेला घर लेके रहूं, वो तो अपने माँ की जगह बैठी हुई है। ये भी गलत बात है उसकी, उसको अपने उसको ये नहीं समझ में आ रहा, शादी के बाद वो अपने माँ का सुनेगी या पति का सुनेगी? हस्बैंड का सुनेगी, सही बात है। और सारी बात तो ये, तुम्हारी सास भी नहीं, मतलब मम्मी भी नहीं रहती है, तो भी तुम लोगों क्या बोलूँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम घर देख लो, मेरे साथ चल लो घर देखने, बात खत्म, और वहाँ पे राधिका को ले आओ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। तो समर तुम यहाँ, तुम मेरे घर भी नहीं जाओगे, तुम उस वाले घर भी नहीं जाओगे। जाऊंगा तो लोग और शक करेंगे ना, तो तुम यहाँ मैं ऐसे कैसे छोड़ दूँ मैं तुम्हें अकेले, ये बताओ, अकेले भी तो नहीं छोड़ सकती ना मैं तुमको ऐसे यहाँ पे, ऊपर से इतनी धूप हो रही है, गर्मी हो रही है समर, कुछ हो जाए तुम्हें। मेरा दिल घबरा रहा था इसलिए मैंने तुम्हें फोन कर दिया, बाकी और कुछ नहीं, मैं देख लूंगा मैं झेलूंगा, तुम इतने धूप में बच्चे को लेकर यहाँ मत भटको, तुम अपन घर जाओ। नहीं मैं नहीं जाऊंगी ऐसे तुम्हें अकेले छोड़ के, तुम पागल हो गए हो? एक ही है, किसी को कोई केयर वेयर नहीं है, सब अपना काम निकाल। ऐसा नहीं है समर, केयर होती है, ठीक है? तुम्हें बड़ा केयर है। हाँ है मुझको, जब ही आई हूँ मैं यहाँ पे। केयर है तो शादी क्यों कर ली थी? अच्छा वाओ बहुत बढ़िया समर, फिर दोबारा से पुरानी बातें लेके बैठ रहे हो, तो तुमने क्यों होने दी शादी? तुमने भी तो मेरी शादी करवाई ना, पहले तुमने शादी करी थी राधिका से, भूल जाते हो बार बार। छोड़ो आप, चलो मेरे घर चलो, मम्मी भी है वहाँ पे। अरे तुम्हारी मम्मी तो है, कोई कुछ नहीं बोलेगा ना ही शक करेगा, ध्रुव क्यों कुछ बोलेगा जब तुम्हारी मम्मी है मेरे घर पर, और मेरी सास भी तो है वहाँ पे। या तो तुम मेरे साथ चलो, बात करो यार। मैं यहाँ ठीक हूँ, उसकी माँ को ये पता चलेगा, देखो तुम्हारे ऊपर लोग शक करेंगे, तुम समझा करो। तो वो तो वैसे करते हैं समर, क्या करूँ तो मैं हूँ, मैं झेल लूंगा, तुम जाओ। फिर अगर तुम्हारे घर पे राधिका की माँ पहुँच गई वहाँ पे क्लेश करेगी, कोई फायदा नहीं है। तो मैं तुम्हें ऐसा अकेले यहाँ पे छोड़ दूँ इतनी धूप में, इतनी गर्मी में? मैं अपने दोस्त के यहाँ चला जाऊंगा यार, समझा करो। नहीं, जब दोस्त की क्या जरूरत है, जब तुम्हारी माँ मेरे घर पर है, सब कुछ हर चीज है, फिर भी तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है मेरे साथ घर चलने में? मम्मी को पता चलेगा ना, मुझे गालियाँ सुनाएंगी कि लड़का मेरा छोड़कर आ गई लेके नहीं आई। नहीं मैं झेल लूंगा यार, देखो तुम जाओ। नहीं मैं नहीं जाऊंगी, नहीं करो, तुम अपने सेहत पे ध्यान दो। नहीं मैं नहीं जाऊंगी, जो हुआ जाओ तुम। नहीं मैं नहीं जाऊंगी, तुम्हें लेके करो ना। नहीं समर, या तो मेरे साथ अभी उठ के चलो, मैं ऐसे नहीं छोड़ सकती हूँ तुम्हें, ठीक है? हद कर रहे हो तुम बिल्कुल ही समर। देखो बात अच्छे से करो, सॉल्व हो जाएगी बात, प्यार से उससे बात मैं कर लूंगा। देखो तुम
यार तुम घर जाओ, मैं मेरा प्रॉब्लम है, मैं सॉरी मैं गलती किया तुम्हें बुला दिया, तुम जाओ तुम अपना घर बसाओ, देखो समझा समर करो। नहीं मैं पहले तुम्हारे पास एक बच्चा है उसको तुम जन्म दो, उसका ख्याल रखो, जाओ। नहीं मैं ऐसे छोड़ के नहीं जाऊंगी। देखो गुनगुन जाओ यार तुम। नहीं समर समझा करो, जितना बोल रहा हूँ सुनो। तो तुम यहाँ कैसे रहोगे? मैं जैसे भी रहूंगा। खाना खाया तुमने सुबह से? मेरी फिक्र छोड़ो, तुम जाओ। तुम समर नहीं, देखो तुम जाओ। नहीं तुम चलो मेरे साथ, मुझे नहीं पता, चलो मैं नहीं जाऊंगा। समर क्यों जिद कर रहे हो? मैं करूँ तुम्हारी मम्मी को फोन? फोन ऑन करने की जरूरत नहीं है, जितना बोल रहा हूँ उतना सुनो, तुम जाओ। समर मैं नहीं जा सकती तुमको छोड़ के। तुम जाओ। नहीं मैं नहीं जा सकती तुम्हें छोड़ के, या तो तुम मेरे साथ अभी घर चलो। मैं घर नहीं जा सकता यार। क्यों नहीं जा सकते? राधिका की मम्मी वो लोग यहाँ पे देखती होगी कि ये कहाँ जा रहा है, अभी उनको ये पता चल गया ना मैं तुमसे पीछे में मिला हूँ, इसके लिए भी बवाल बनाएंगे। हो गया, मैं तुम्हें मिल लिया, मुझे सुकून मिल गया, तुम अब जाओ प्लीज, समझो जाओ। पक्का? हाँ जाओ। तुम रह लोगे? हाँ मैं रह लूंगा। मैं मम्मी से बात करूंगी, मैं मम्मी को लेके आऊंगी समर, मुझे पता है, इसको पता चल जाएगा, जाओ।